लिमिटर नहीं आने दूंगा। आया लिमिटर आ गया, शिट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का कंपैरिजन टेस्ट हम आपके लिए लेके आए इन दो बाइकों में, जो कि पहली है अपनी NS 200 2024 एडिशन, दूसरी है ड्यूक 200 भाई साहब BS6 2.2, दोनों की दोनों वैसी ही है। सो गाइस, सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 100 सेक्शन का टायर और यहाँ पे मिलता है 110 सेक्शन का टायर। रियर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 130 सेक्शन का टायर मिलता है, बट यहाँ पे आपको 150 सेक्शन का टायर मिलता है। अब इनकी भाई खास बात यह है कि चाहे 125 सीसी की कोई बाइक लो, चाहे 200 सीसी की लो, चाहे 390 सीसी की बाइक लो, टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम मिलती है और चेसी बिल्कुल सेम मिलती है, यूएसजी फोक्स का साइज़ बिल्कुल सेम मिलता है, सिर्फ इंजन का साइज़ डिफरेंस रहता है, बाकी सब कुछ सेम देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बजाज में सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो ये तो हो गई टायर की बात। अब ब्रेक्स कैलिपर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रॉस कटिंग करने के लिए प्राइस में ग्रीमिका के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि इसके पहले बाइब्रेक के डिस्क ब्रेक ये ऑफर करते थे, बट यहाँ पे WP के USD फोक्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ बाइब्रेक के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, भाई डिस्क कैलिपर मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS इसमें भी है, डुअल चैनल ABS इसमें भी है, बट इनके USD फोक्स की क्वालिटी आप देखो और यहाँ पे USD फोक्स की क्वालिटी देखो, ये ऐसा फील देते हैं जैसे कि स्प्लेंडर के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसा, उतनी ही विथ होगी, उससे ज़्यादा क्या ही होगी। अब इसमें नया क्या है, तो यहाँ पे आपको फुल LED हेडलाइट सेटअप मिलता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये फ्लैश लाइट एकदम मस्त, तो ये नया है। बाकी इंडिकेटर सदाबहार इंडिकेटर इनके जैसे RS में आते हैं और दूसरी बाइकों में आते हैं, वैसे ही यहाँ इंडिकेटर डाल दिए हैं, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज बजाज ही इसको बनाता है यहाँ पे इंडिया में। तो ड्यूक में और इसमें इंडिकेटर आपको बिल्कुल सिमिलर मिलने वाला है, बट यहाँ पे आप फ्रंट लाइट दे सकते हो, यहाँ पे एक बल्ब दिया गया है और ये LED लाइट दी हुई है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक छोटू सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, जहाँ गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, हीट और ये सारी चीज़ें आपको कंपनी ऑफर करती है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं इसमें, बाकी ग्रैब हैंडल पीछे का ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बिजली वगैरह मारोगे तो इससे टकरा के लाइट आपकी ये बच जाएगी। और क्या है गाइज इसमें डिफरेंट, अब यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद स्मार्ट कनेक्ट, फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हो, नेविगेशन वगैरह शो हो जाएगा यहाँ पे, गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ RPM है और यहाँ पे ओडोमीटर है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बट एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट चार्जर भी मिलने वाला है, ऑन द गो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। इससे पहले का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दूसरा था, इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल था, बट इस टाइम पूरा का पूरा डिजिटल कर दिया गया है। और इससे पहले की बाइक में मतलब NS 200 में यहाँ पे आपको पास के लिए स्विच मिलता था, बट इस बार जैसे ड्यूक में आता है ये वाला स्विच पहले यहाँ मिलता था, बट इस बार इसी स्विच में इन्होंने पास का ऑप्शन दे दिया है। तो गाइज इन दोनों का एक बैटल करने वाले हम और देखने वाले हैं कि इन दोनों बाइक्स में से ज़्यादा तेज कौन सी है, ज़्यादा फास्ट कौन सी है, क्या NS 200 इस कैपेबल है कि 190,000 रुपये में आपको ये 2.5 लाख प्लस ड्यूक हरा पाती है कि नहीं हरा पाती है। भाई ड्यूक का प्राइस आप जानते ही हो कि कितना ज़्यादा है मार्केट में इन कंपेयर टू बजाज बाइक्स, तो देखिए क्या रिजल्ट होने वाले हैं इस बैटल में। तो गाइज अभी अपन चलाने जा रहे हैं ड्यूक और इंडियन का देसी जुगाड़, देखिए कपड़ा रखने के लिए साफ सफाई के लिए यहाँ पे इन्होंने जगह खोज ली है। KTM वाले ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे भाई, एरोडायनेमिक के लिए इन्होंने कुछ बनाया था और उसका फायदा लौंडे उठा रहे हैं कपड़ा रखने के लिए भैया। तो चलो भैया बैटल को शुरू करते हैं, NS 200 की धजिया खड़ी करते हैं, चले। ड्यूक को पीछे कर दिया हमने, लॉन्च तो एकदम नेल कर दे रहे हैं हम इस बार, ड्यूक एकदम पीछे है जस्ट, अब आगे आ रही है। आ रही है भैया, हरा देंगे यार, टेंशन नहीं अपने को, ज्यादा टेंशन हम लेते भी नहीं है आपको पता है। सीधा किल करते हैं, किल। NS 200 की धज्जियां खड़ी कर दी हमने भाई, खटिया खड़ी हो गई NS 200 की। अरे आ गया NS 200, क्या बात है भैया, अरे लिमिटर हिट हो गया, ज्यादा गैप नहीं है, खैर चलो थोड़ा शॉर्ट कॉर्नर लेते हैं गाइस। अरे
लिमिटेड रेट हो रहा है यार। KTM ये क्या कर रहे हो, इतना पैसा लेके NS से आ रहे जा रहे हो? लिमिटेड रेशन में NS जीती, मिड में ड्यूक निकली, टॉप एंड में फिर NS जीती। अब ड्यूक का लिमिटर आ जाएगा मुझे लगता है। रेट हो रहा है गाइस 138-39 पे। वो निकल गया, उसको फायदा मिल गया गाइस, फायदा मिल गया उसको। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NS जो है वो थोड़ी सी आगे थी और मेरी बाइक का लिमिटर हिट हो रहा था, बट शायद NS का लिमिटर हिट नहीं हो रहा था इतना। तो भाई साहब ड्यूक जो है टॉप एंड में हारती हुई नज़र आ रही थी। राइडर स्विच करते हैं फिर देखते हैं क्या यही सीन इनके साथ भी होता है या NS 200 हारती है। तो चलो भाई राइडर स्विच करके ट्राई करते हैं ताकि मजा आए। चलो आगे हम इस पीछे, लेकिन हम हो जाएंगे आगे और ड्यूक हो जाएगी पीछे। 150 पहुंच गई गाइस, 150 पहुंच गई फाइनली। पहली बार 150, 151, 152, 152, 151, 152 पहुंच रही है गाइस। ये क्या बात है, ये वरना ना पाती और फिर निकलेगी ड्यूक आगे। ये देखो, बाय बाय, सी यू। धुआंधार मुकाबला, महा मुकाबला, लेकिन ड्यूक जीत रही है, ये कैसे? चलो 154 पहुंचाते हैं गाइस इसको। अब लिमिटर नहीं आने दूंगा। आया लिमिटर, आ गया, शिट। बावन पहुंचो यार। क्या गाइस, 152-153 पहुंची, लेकिन फिर उससे आगे जा नहीं पा रही यार ये। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसके स्पीडोमीटर एरर आप देख सकते हो। ये चल रही 153-154 पे और ये चल रही 140 पे। तो क्या एरर है भाई, बजाज क्या एरर दिए तुमने भाई, एक कदम आगे। इसीलिए कहते हैं बजाज एक कदम आगे रहता है KTM से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से, देर ना करो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।